वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही देश के कई राज्यों से तीर्थ यात्रियों का हुजूम लगातार बढ़ रहा है। यात्रा के सुगम सुव्यवस्थित संचालन के लिए जिला प्रशासन की टीमें निरंतर कार्य में जुटी। कपाट खुलने के दिन केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों, घोड़े खच्चर, डंडी कंडी सहित सभी व्यापारियों ने कुछ मांगे प्रशासन के सामने रखी और अपने प्रतिष्ठान खोलने में मना किया। प्रशासन से बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। वहीं इस मामले पर जिला अधिकारी सौरभ गहलवाल ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों व्यापार संघ की कुछ मांगे थी, उनसे बातचीत की गई है, जिसके बाद सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। उसमें से जैसे कुछ तीर्थ पुरोहितों का ये कहना था कि जैसे जो हमारे पूर्व में जो आपदा में जो जिनको नुकसान हुआ था उनके उनके मुआवजे या उनको भवन आवंटन करने की कार्रवाई त्वरित रूप से की जाए, तो उसके संबंध में आज बैठक भी अभी भी कराया गया है कि लगभग 43 अनुबंध के सापेक्ष 250 लोगों को भवन और भूमि आवंटन की कार्रवाई संपादित की जा रही है। उसके अलावा अभी उनकी एक चीज और ये थी कि उनके जो कुछ उनके जो बिल्डिंग्स है अगर कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उसका मुआवजा भी एक कमेटी भी बना दी गई है कि जो इस चीज को जल्द से जल्द इनका निस्तारण कर ले। मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आराम से मेरे दर्शन हो गए, कोई मेरे को इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को रास्ते में कोई इशू नहीं हुआ, साफ सफाई सही थी, अच्छी थी।